जहां प्रदेश में मौसम में ठंड नजर आती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सफेदों की ठंड बड़ी राजनीति को एक बार फिर पूर्व विधायक जसवीर देशवाल और उनके बेटे जितेंद्र देशवाल ने गर्म कर दिया है। सफेदों की जाट धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता मीटिंग में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। 2014 में निर्दलीय विधायक बने जसवीर देशवाल ने सरकार यानी कि बीजेपी को समर्थन दिया था और सफेदों में लगभग 550 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का रिकॉर्ड बनाया था। बीजेपी से काफी उम्मीद के बाद भी जसवीर देशवाल को बीजेपी सफेदों से भले ही टिकट ना दे पाई हो, लेकिन मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी, जिस कारण विधायक ने भी पार्टी से गद्दारी नहीं की और 2019 का चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी ने सफेदों से अपनी सीट गंवा दी है। सफेदों से मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से है, जो कि हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में सफेदों विकास के मामले में पिछड़ सकता है। इसी बात को लेकर पूर्व विधायक और उद्योगपति जसवीर देशवाल ने बेटे जितेंद्र देशवाल को आगे कर दिया है, क्योंकि आज सफेदों की राजनीति में युवा को तवज्जो से देखा जा रहा है। विधायक का यह पासा उनके राजनीतिक ध्रुवविरोधियों पर तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। सफेदों की राजनीति में आए बदलाव का मुख्य कारण भी उद्योगपतियों का राजनीति में आना ही माना जा रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाव की बात की जाए तो जसवीर देशवाल ने सफेदों की राजनीति को काफी महंगा बना दिया था। इसीलिए वह देश की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को हराने में कामयाब रहे थे और 2019 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा लेकर चली हुई थी। तब पूर्व में मंत्री बने बच्चन सिंह आर्य भी उसी मार में आ गए, क्योंकि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे सुभाष देशवाल भी उद्योगपति हैं और उन्होंने भी सफेदों की राजनीति को काफी महंगा कर चुनाव जीतने का काम किया। ऐसे में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, सफेदों में विधायक तो उद्योगपति ही बन सकता है, क्योंकि सफेदों की राजनीति हर प्लान महंगी होती जा रही है। ऐसे में युवा चेहरा जितेंद्र देशवाल सफेदों की राजनीति के सिरमौर बन सकते हैं। विधायक ने बेटे को आगे लाकर अगले विधानसभा चुनाव की बैटिंग की शुरुआत भी कर दी है। अब देखना होगा बिजनेस को संभाल रहे जितेंद्र देशवाल राजनीतिक पीच पर किस प्रकार से बैटिंग कर पाते हैं, यह तो समय ही बताएगा। सफेदों से खबर तहलका के लिए विकास रोहिला की ये रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।